today we will be doing the topic of Cold War era. That's part of our contemporary world politics. So let's start. As you all know, World War I kab hui thi? 1914 se 1918. Aur World War II hui thi? 1939 se 1945. To pehle jo hamara first chapter hai, usme hum background discuss karenge World War II ka. ताकि हमें पता चले, जैसे हम किसी भी क्लास में होते हैं, लाइक व्हेन वी आर प्रमोटेड टू, व्हेन यू आर प्रमोटेड टू 12th, यू हैव अ बेस ऑफ 11th, सेम बेस 11th के कुछ कंसेप्ट 12th में कैरी होता है, सेम बेस हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू का कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में किया गया है, और उसके बाद हम कोल्ड वॉर एरा जो हमारा मेन चैप्टर टॉपिक है उस पर फर्दर प्रोसीड करेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर टू, वी टॉक अबाउट टू पावर्स. One were Allied powers, and one were Axis powers. Okay, so Allied powers कौन सी थी हमारी? Allied powers थी Britain and France. These were the Allied powers. Axis powers थी हमारी Italy, Germany और Japan. आप लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ था व्हेन यूएसए ड्रॉप्ड टू न्यूक्लियर बॉम्ब्स ओवर टू लोकेशंस इन जापान, दैट वाज हिरोशिमा एंड नागासाकी. बट यूएसए ने ऐसा क्यों किया? आपको यहाँ पे कहीं यूएस नहीं दिख रहा, सो व्हाई यूएस डिड दैट? बिकॉज उसके बैकड्रॉप में जापान अटैक यूएसए नेवल बेस पर्ल हार्बर, एंड इन रिटेलिएशन टू दिस यूएसए ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन हिरोशिमा एंड नागासाकी. फर्स्ट ऑफ ऑल हिरोशिमा में उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था, उसके कुछ टाइम बाद आफ्टर अ गैप दे डिड इट एट नागासाकी. इसके पीछे एनसीईआरटी ये कहती है कि दे वांटेड टू क्रिएट व्हाट, दे वांटेड टू वैनिश देयर पॉपुलेशन. यूएसए जानता था, यूएसए को पता था कि व्हेन हिरोशिमा वाज अटैक्ड विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके बाद जापान वाज अबाउट टू सरेंडर, बट फिर भी यूएसए ने नागासाकी पे दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया क्योंकि वो चाहते थे इनकी पॉपुलेशन को ख़त्म करना. बट एक और थ्योरी है इसमें, वो ये कहती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने इसलिए भी ड्रॉप किया क्योंकि यूएसए चाहता था जापान की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए. सेकेंड थिंग, वो डेटरेंस क्रिएट करना चाहते थे इन द माइंड्स ऑफ रशिया, एंड रशिया वॉज देन नोन एज यूएसएसआर. That was 14 plus 1, one Russia and 14 other states, that totals to 15. 15 states ka ek group tha, USSR, the Soviet Union, that was to be deterred with the action at Nagasaki. America ye batana chahta tha USSR ko ki hamare paas nuclear bombs aur bhi hain. Hiroshima mein ek jo इन्होंने अटैक किया था, उसके बाद नागासाकी का ड्रॉप ये दिखा रहा था कि वी कैन डू इट मोर, वी कैन डू इट इन द यूएसएसआर. सो दैट वाज अ क्रिएशन ऑफ डेटरेंस एंड इंस्टेंस ऑफ डर पैदा करना चाहते थे यूएस, डर पैदा करना चाहता था इन द माइंड्स ऑफ यूएसएसआर. सो दैट वाज डन, दिस वाज द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान खत्म हो गया, अब इनके साथ क्या हुआ? इटली और जर्मनी के साथ. जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने जो अब वॉर एंटर कर चुका था घेर के मारा बहुत बुरी तरीके से. दे वर ह्यूमिलिएटेड टू सच अ लो लेवल. इटली भी कुछ इसी तरीके से हारा, बट अब यहाँ पे यूएसए है. जर्मनी हारा, कैसे हारा जर्मनी? यूएसएसआर ने ज्वाइन कर लिया था एलाइड पावर्स,
इससे पहले जापान के टाइम से पहले ही यूएसएसआर जॉइंट दी वर्ल्ड वॉर टू। व्हाई? क्योंकि जर्मनी ने यूएसएसआर की टेरिटरीज पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था। सो यूएसएसआर हैड टू एंटर। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू की कहानी खत्म होती है, सब कुछ खत्म हो गया, जापान जर्मनी इटली हार चुके हैं और ब्रिटेन और फ्रांस के पास अब इतने रिसोर्सेज बचे ही नहीं है कि वो वर्ल्ड पावर्स बन सके। सो नाउ देयर आर जस्ट टू पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। दो शैतान बच्चे एक क्लास में नहीं रह सकते। सो द सेम वे अब ये सब खत्म हो चुका है और अब बचे हैं सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर। अब यूएसए और यूएसएसआर दोनों को पावर चाहिए, दोनों को ये चाहिए कि लोग कहें कि यूएसए सबसे ज्यादा ताकतवर देश है और यूएसएसआर सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। यहाँ स्टार्ट होता है द कोल्ड वॉर एरा। ओके, दैट वी माइंड फ्रॉम 1947 क्यों? क्योंकि 45 के बाद 47 तक का जो टाइम था वो तो ट्रीटीज में ही चला गया। जो जीते जो हारे there were a lot of things happening over. Treaties का टाइम होता है, किसी भी वॉर के एंड के बाद आप नेगोशिएशन के लिए जब टेबल में बैठते हो तो यहाँ पर टॉक अबाउट। तो टू ईयर्स अराउंड वन एंड हाफ और टू ईयर्स वह कंज्यूमर प्रोसेस 1947 से कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ। व्हाट वाज कोल्ड वॉर एरा? क्या करके रहते हैं? ठंडा युद्ध नहीं, इट्स एक्चुअली समथिंग ओपन वॉर नहीं था बट वॉरलाइक सिचुएशंस थी। ओपन वॉर क्यों नहीं था? व्हाई इट वाज नॉट एन ओपन वॉर? व्हाई? द आंसर इज कि यूएसए को भी पता था और यूएसएसआर को भी पता था कि दे कैन नॉट रिस्क। हिरोशिमा में जो बॉम्ब्स ड्रॉप हुए थे उसके बाद वर्ल्ड को एक डिटरेंस क्रिएट हो गया था कि न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित होते हैं, तो ओपन वॉर कोई नहीं करना चाहता था क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स। तब ओपन वॉर नहीं हुआ बट वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी। सो कैसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी अब हम वहाँ ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसे हम मैप्स से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, सो आई विल बी डूइंग सम मैप वर्क। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट This is USA. Okay. In midst of them, it's Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. And here somewhere it's Russia. That was USSR. Okay. यहाँ पे Gulf of Mexico है US के नीचे और उसके ही आसपास यहाँ कहीं एक छोटी सी कंट्री है क्यूबा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इट हैपेंड इन अप्रैल 1961। ओके, सो क्राइसिस क्या था? क्राइसिस ये था, आइडियोलॉजीज की प्रॉब्लम थी। यूएसए वाज अ कैपिटलिज्म और अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट्स नोन एज लिबरल democracy, liberal democracy, and USSR was a communist economy. Capitalist economy या liberal democracy क्या होती है? जहाँ पे market forces को full freedom होती है। Market forces have full freedom. Prices and quantity variables of economics are attained by the free flow of market forces, demand and supply. But communist approach है जो, उसमें public sector के हाथ में होता सब कुछ। जो भी economic variables हैं quantity और price के, वो सब public sector के control में होता है। यहाँ पे private sector को freedom नहीं होती। So USA की capitalist thinking है और USSR की communist thinking है। जब इतना ज़्यादा gap है ideologies में तो ऑफकोर्स दिल हैव वॉर्स ना, दिल हैव राइवलरी। अब यहाँ पे क्या हुआ? क्यूबा कम्युनिस्ट स्टेट था,
यूएसए के नीचे और एक कम्युनिस्ट स्टेट, ऑफ कोर्स यूएसए ट्राई करेगा कि क्यूबा कन्वर्ट हो जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, बट क्यूबा को सपोर्ट है यूएसएसआर का, तो वो नहीं हो रहा है। अब यूएसए जब एक लिमिट के बाद ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्यूबा जाएगा यूएसएसआर के पास हेल्प के लिए। तो यूएसएसआर ने क्या किया, क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर दिया जस्ट यूएसए के नीचे। यूएसए में उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। इन्हें 21 दिन बाद पता चला कि इनके जस्ट नीचे, इनकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के जस्ट नीचे गल्फ ऑफ मेक्सिको में क्यूबा के यहाँ पे यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर रखा। ऑफ कोर्स जब एक प्रेसिडेंट को पता चलेगा कि उसकी कंट्री इतने बड़े खतरे में है, दे वर लाइक वेरी सीरियस अबाउट इट, सो दे क्रिएटेड अ लाइन ऑफ लाइन और एन इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक ओशन। बेसिकली उन्होंने ये कह दिया कि अगर इस लाइन को क्रॉस करके यूएसएसआर के शिप्स आगे आ गए तो फिर ओपन वॉर डिक्लेयर हो जाएगा। उस टाइम पे क्रुश्चेव थे यूएसएसआर के चांसलर और क्यूबा में थे फिदेल कैस्ट्रो। फिदेल कैस्ट्रो का बहुत नाम आता है कम्युनिज्म में। फिदेल कैस्ट्रो, कैनेडी और क्रुश्चेव तीनों का दिमाग चल रहा है कि क्या होगा, अब होगा क्या। यूएसएसआर और यूएसए के बीच में 1961 के क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में वॉर होते होते रह गई। कुछ नेगोशिएशंस हो गए, कुछ स्टेट्स की वजह से नेगोशिएशंस हो गए, वरना वर्ल्ड वॉर 3 हो ही गई थी। और अब हमने ये समझ लिया कि यूएसए और यूएसएसआर ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखा। ऐसे बहुत सारे क्राइसिस थे, सिर्फ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नहीं था, देयर वाज कोरियन क्राइसिस, वियतनामीज क्राइसिस, कॉन्गो का क्राइसिस हुआ। अच्छा, कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दो अलग अलग स्टेट्स हैं, दैट टाइम इट वाज कॉन्गो। कॉन्गो का क्राइसिस हुआ, देयर वाज सो लॉट ऑफ क्राइसिस। और इन क्राइसिस में ये था कि न्यूक्लियर वॉर बच गई, लेकिन इट डजंट मीन कि इस टाइम पे मिलिट्री का यूज नहीं हुआ। ऑफ कोर्स मिलिट्री मेडअप हुए, मिलिट्री हाइक्स हुए, मिलिट्रीज को अलग अलग जगह पे डिप्लॉय कर दिया गया, या फिर छोटे छोटे प्रोटेस्ट भी हुए, बहुत लार्ज स्केल के प्रोटेस्ट भी हुए और बहुत सारे लोग भी मारे गए, बट मेन पॉइंट ये रहा कि किसी तरीके से न्यूक्लियर वॉर्स नहीं हुए, दैट वॉज द मेन थिंग। उसके बाद नाउ वी स्टडी कि कोल्ड वॉर में इतने सारे क्राइसिस हमने देखे और क्या तरीके थे कोल्ड वॉर के। कोल्ड वॉर में था दे वर फाइटिंग फॉर देयर स्पेस टेक्निक्स, स्पेस टेक्नो में दे वर फाइटिंग कौन पहले स्पेस में बंदा भेजेगा, कौन पहले जानवर भेजेगा, ये कंसेप्ट थे। डिफेंस इक्विपमेंट्स की दिक्कत थी, डिफेंस इक्विपमेंट के कौन कितना ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट इकट्ठा कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, कि कौन बताना चाहते थे कि कौन ऊपर है। यूएसए चाहता था कि मैं ऊपर रहूँ, यूएसएसआर चाहता था कि मैं ऊपर। अच्छा, कोई भी अगर दो बच्चे होते हैं क्लास में जो शैतान होते हैं तो उनके सपोर्टर्स होते हैं, तो हम इनके सपोर्टर्स की बात करेंगे कि यूएसए था तो उसको कौन सपोर्ट करता था, यूएसएसआर था तो उसको कौन सपोर्ट करता था। यूएसए के सपोर्टर्स थे वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में स्पेसिफिकली वेस्ट जर्मनी। उस टाइम जर्मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी, और जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया था बाद में बिस्मार्क, एंड वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज बिस्मार्क इंडिया। सो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, अगर वेस्ट जर्मनी यूएसए को सपोर्ट कर रहा है तो इट्स ऑब्वियस कि ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था। अब यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे और भी कॉमनिस्ट स्टेट्स जैसे यूगोस्लाविया, रोमेनिया, बल्गेरिया, और यूएसए के सपोर्टर्स थे ऑफ कोर्स विद फ्रांस, ब्रिटेन, सो ऑल दीस स्टेट्स वर सपोर्टिंग ईच ऑन देयर ओन लाइकिंग साइड्स। बट व्हाई वर दे सपोर्टिंग, क्या फायदा था इन्हें सपोर्ट करके, इन्हें क्या बनेगा कि ये जाएं बीच में कूद जाएं। ऑफ कोर्स दे हैड बेनिफिट्स, द अलायंस हैड बेनिफिट्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन, दे वर गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम दे
क्योंकि इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए इंडिया से, इंडिया अटैक कर दे तो हमें बचाओ। इकोनॉमिक गेन्स कैसे? अब अगर आप क्लास के सबसे अच्छे बच्चे के साथ बैठोगे तो आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, यू हैव मोर रिसोर्सेज टू योर डिस्पोजल। उस तरीके से इकोनॉमिक गेन्स थे, प्रोटेक्शन थी, प्लस एक चीज़ होती है ना कि आपका एक रीजन में इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है। इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा तो और कई टाइप के गेन्स होंगे, जैसे छोटी मोटी स्टेट्स को आप कब्जा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टेरिटरी है, आप उनके साथ एक्चुअली उन पर कब्जा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो दोस्त है ना वो बहुत पावरफुल है। सो ऑफ कोर्स दे हैड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल। अब खाली एलाइज को ही फायदा था ऐसा भी नहीं था। इट वॉज के एलाइज के साथ साथ जो एक्चुअली पावर्स, जो दो सुपर पावर्स अपना बनना चाहती थी उन्हें भी फायदा था। उन्हें क्या फायदा था? उन्हें ये फायदा था कि उनको मिलिट्री बेस मिल जाता था। मिलिट्री बेस कैसे? जैसे यूएसएसआर ने, अगर यूएसएसआर ने जो मेन पावर्स थी, जो सुपर पावर्स थी, उन्हें अपना मिलिट्री बेस मिल जाता था। जैसे क्यूबा में क्रिएट किया था बेस यूएसएसआर ने, सेम बेस मिलिट्री बेस, प्लस उन्हें ऑयल फील्ड्स मिल जाते थे क्योंकि अब ऑयल एट चीपर रेट्स, प्लस दे कैन स्पाई ऑन द एनिमीज। ये सारे टॉपिक्स थे। बेनिफिट्स दोनों साइड को होते हैं तभी दो लोग साथ में आते हैं, वरना कोई इतना मेला नहीं कि साथ में आ जाए। अब कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जो किसी भी साइड जॉइन नहीं हुई, वो थी नैप। द मूवमेंट वॉज नोन एज नैप, दिस इज नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। अब इसमें कौन सी कंट्रीज थी? इसमें कंट्रीज थी लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, ये सारी कंट्रीज थी, और एक कंट्री थी चेकोस्लोवाकिया। अब ये दो स्टेट्स हैं, एक चेक रिपब्लिक है और एक स्लोवाकिया का रिपब्लिक है। इन कंट्रीज ने क्यों कहा कि हम इन कंट्रीज ने ये कहा कि हमें किसी भी साइड नहीं जाना। इनको क्यों किसी भी साइड नहीं जाना था? क्योंकि दे वर जस्ट इंडिपेंडेंट, ये अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, अभी इन्हें डेवलप करना था, इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। दे कुड नॉट रिस्क देयर रिसोर्सेज टू दी वॉर। वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया ने तो अपने आप को रिस्क किसी ना किसी तरीके से किया था, क्योंकि ब्रिटेन की कंडीशन ही यही थी कि हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे बट आपको हमारे साथ वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर टू, बट इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इंडिया का स्टैंड अभी भी यही था कि हम नहीं करेंगे, एंड द स्टैंड वॉज डिक्लेयर्ड अंडर जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया ने उस टाइम पे काफ़ी सारे, जो हमारे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरह कोरियन क्राइसिस हुआ था या वियतनामिस क्राइसिस हुआ था, पर्टिकुलरली कोरियन क्राइसिस, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था कि यूएसए और यूएसएसआर की वॉर्स नाउ। सो दैट इज द बेस वी डिड विद कोल्ड वॉर। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे बायपोलैरिटी, यानी कि जो बायपोलर स्टेट्स थी उनको चैलेंजेस क्या थे, नैम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।